गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको विलेज। सो गाइस, आप देख सकते हो कल शाम को तो अराउंड 6:30-7 बजे बर्फ़ गिरी थी। तो ये देखो मेरी बाइक क्या कम्प्लीटली सारा बर्फ़ मेरी बाइक पे गिरा पड़ा, पूरा फ्रोज है। अब इसको थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अराउंड 10 बजे करीब निकलेंगे, 10:30 यहाँ से काजा के लिए। काजा में इससे भी ज़्यादा बर्फ़ है, बट ये रात को गिरी है, पूरी स्नो है, मतलब रात रात में गिरी इतनी, पूरे पहाड़ कवर कर देते हैं। देखो कंप्लीट, अभी इतनी ठंड हो रही है बाहर, माइनस में टेम्परेचर है। बस हम लोग देख रहे हैं, व्यूज एंजॉय कर रहे हैं। अभी निकलेंगे यहाँ से, नहाया भी नहीं गया तो हमने, देखते हैं आज नहाते हैं क्योंकि यहाँ गर्म पानी है थोड़ा सा, यानी यहाँ गर्म पानी फ्रोज हो गया था बट अभी है। सो अभी हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा नहाने का, देखो क्या होता है। बट अभी ठंड बहुत है, बहुत ठंड है तकरीबन, बस लाइट नहीं है। लाइट अभी अभी आई है, जस्ट अभी भी लाइट आई है, तो लाइट के मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना पड़ेगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है तो। बट कुछ भी कहो, बाइक बहुत प्यारी लग रही है। सो आपको डायरेक्ट बाइक में मिलूंगा कुछ टाइम बाद। हाँ जी दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अब वीडियो। सो अभी हम आप देख सकते हो नाको विलेज में हैं। सो अब हम आगे जाएंगे ग्यू मिनिस्ट्री की ओर, जहाँ पे हम 500 ईयर ओल्ड मम्मी हैं। वहाँ पे बेसिकली ग्यू विलेज में एक मम्मी को, मम्मी की पूजा करी जाती है, तो 500 साल पुरानी है, हम वहाँ जा रहे हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, आई वुड लाइक टू शेयर वन कोट इन इंग्लिश। सो नेवर मेजर द हाइट्स ऑफ अ माउंटेन अंटिल यू रीच द टॉप, टिल देन यू कैन सी दैट हाउ लो इट वॉज। सो बाई शेयरिंग दिस कोट, आई वुड से दैट इफ यू लाइक द वीडियो गाइस, देन आई थिंक यू कैन सपोर्ट अस बाई सब्सक्राइबिंग चैनल। सो मेरा मानना है इट इज़ बेटर टू ट्रैवल वेल देन टू अराइव। सो आप सब भी ट्रैवल कीजिए गाइस, अभी अभी मौका अच्छा है, मंथ अच्छे चल रहे हैं ट्रैवल करने के भी, एंड आई होप दैट यू गाइस आर लविंग आवर कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर यू नो लाइकिंग द वीडियो एंड यू नो सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो आगे मिलते हैं, आप देखिए आगे का सीनिक नज़ारे। गाइस मेरा शायद से पेट्रोल चल तो जाएगा बट थोड़ा कम है, ताबो में आई थिंक है पेट्रोल को, तो मैं भरा ही लूँगा। बट अब शायद से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई है। हाँ बट हाँ यार, बिना ऑफ रोडिंग के क्या ही मजा है। गाइस ऑफ रोडिंग अभी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे इन्होंने रोड नहीं बनाया मेरे गाड़ी का, तो मेरे को पेट्रोल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो शायद से टायर पंक्चर है तो कह रहे हैं आगे वाला, अगर मेरा हो गया तो क्या मेरी तो लग गई इस मतलब, कि मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है टायर पंक्चर फिलहाल, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की रोड ज़्यादा ऑल्सो रिस्की। बट आई थिंक ये कुछ ही देर का पैच है, ऐसा आगे प्लेन रोड दिख रही है मेरे को, आई होप ऐसे जो ये रोड में चलाना मुश्किल है क्योंकि खुदरी है, खुदरी थोड़ा केयरफुल चलाना पड़ रहा है, वहाँ पर केयरफुल चला रहा हूँ। बस कुछ इधर का पैच है और तो नीचे तो मुझे रोड सही ही लग रही है। चलो बहुत बहुत सही, सब चीज़ सही है, गोलजू पर जाकर रहेंगे ना, जहाँ हम जा रहे हैं अच्छे से जाएंगे, अच्छे से आएंगे, नहीं हो सकता है एवरेज अच्छी रहेगा, इसके लिए मैं स्पीड में भी कमी रखूँगा, एवरेज में कोई इशू ना है। ये पत्थर थोड़े से नुकीले हैं, और मुझे ध्यान और रखना पड़ेगा अपनी बाइक का, क्योंकि नुकीले पत्थर ना बाइक में छुप जाते हैं, दिक्कत हुआ है। हील वील तो शायद ही मिले यहाँ पर, बट नुकीले पत्थर हैं, तो नुकीले पत्थर को देख के लगा रहा थोड़ा और यहाँ गिरने के एहसास ज़्यादा है। ये पूरी की पूरी ऐसी गली है, बजरी होती है, बजरी पूरी पूरी सूखी होती है, पूरी दर्दरी सी वो है।
भाई अभी तो मेरा हमें ना कल एक अंग्रेज मिले थे, अभी वो पिन वैली से आ रहा है और दो हफ्ते से ट्रैवलिंग कर रहा है वो पिन वैली, और वहाँ पे उसका दो तीन बार वो गिर गया। अभी स्लोप ही ऐसा है ना वहाँ का, पूरा ऊपर से बर्फ़ होती है पूरी, तो वहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी ये देखोगे तो ये पूरी भुरभुरी है, और मेरे को यहाँ पे और धीरे चलानी है क्योंकि ऐसी रोड में गाइज होने को तो ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ से हमने गेट में एंट्री करी थी योगी विलेज के, बट आई वुड से एक कंप्लीट ऑफ रोड है। मतलब होने को बेसिकली जो मिट्टी है दर्दरी और बहुत काफ़ी सारे पत्थर भी हैं, तो 7 किलोमीटर का जो पैच है वो कम्प्लीटली ऑफ रोड है। सो जो भी यहाँ पर आए गाइज थोड़ा सा केयरफुल रहें और केयरफुल ड्राइव करें। अभी भी हम पहुँचे नहीं है मोनेस्ट्री, शायद से अभी भी है ऊपर है काफ़ी, और शायद से हमें वॉकिंग भी करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर बट हमें करना पड़ेगा, हाँ तो मेरे को पता है। एक बार जाके देखेंगे, बट रास्ता गाइज है ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, सौरभ आगे लीड कर रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ड्राइव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हुए तो कुछ मैं उससे भर जाऊँ बेसिकली, और हमें को थोड़ा सा वो भी देखना पड़ रहा है नोकीले पत्थर तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना स्लोप है बिल्कुल कटने कंट सीधा सीधा स्लोप है। स्लोप में बाइक चलाना थोड़ा दिक्कत होता है, कोई सी बाइक हो दिक्कत होती है। बगल में रिवर भी है, और शायद से हम विलेज में तो पहुँचने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर बट हाँ शायद से पहुँचने वाले हैं। बट ये रास्ता भाई खतरनाक ही है यहाँ का भी आने का, हाँ सौरभ इसकी तो हालत खराब होगी है क्योंकि हाथों में ये बाइक में हल्का सा ऐसे है तो पेन होता है हाथों में, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने चलाई है बाइक ना स्टेप से, पेन तो होता है गाइस तगड़ा वाला ही होता है जो भी हो, बट यहाँ पे मुझे पहले गियर पे ही चलाना पड़ेगा। ये सीधा खड़ा रास्ता है, खड़ा कंप्लीट खड़ा रास्ता, यह समझ सकते हो। आई डोंट नो कितने लोगों ने आपको ये दिखाया हुआ यूट्यूब में, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रास्ता कैसा है। रास्ता कोई बना नहीं हुआ है, ये कच्चा रास्ता है ऊपर जाने का, परफेक्ट रास्ता नहीं है कि आप सोचो कि परफेक्ट रास्ता आपको मिलेगा आप चले जाओगे, तो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। आपको ही अपने आप को ही संभाल के चलना है, क्योंकि आपकी बाइक आपका ही साथ देगी और किसी का नहीं देगी। दोस्त को भी प्यार से चलो, लॉगिंग करा के चलो। कितना दूर है यार, अभी भी समझ नहीं आया पहुँचे नहीं पहुँचे, आगे कुछ घर तो दिख रहे हैं, शायद से विलेज तो आ ही गए ऑलमोस्ट, और मोनेस्ट्री कितनी ऊपर है आ गया नहीं, सौरभ को भी शायद से आ गया शायद ही हो, मैं श्योर नहीं हूँ। ओह भाई ओ भाई ओ, आराम से लीजिए आराम से, कोई जल्दी बाजी नहीं भाई, प्यार से चलानी है। एक एक तो दिखा मेरे को घर, कोई एक ही दिखाया कर घर दिख ही नहीं रहे गाइस अभी तक, विलेज का नाम निशान नहीं है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि हमने 4-5 किलोमीटर चला चुके हैं अंदर, बट कोई विलेज ही नहीं दिख रहा, आई थिंक बिल्कुल टॉप में ही है शायद से। इसकी बाइक वैसा है ना कि मेरी बाइक में लगेज भी है, तो मेरे को घुमाना है तो मेरे को पूरा स्लोप लेके पूरा यू टर्न लेके घुमाना पड़ रहा है। हाँ कुछ विलेज तो आए, ये घर है, एक घर और है,
ओके, दो घर दिख गए। चल 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 मेरे भाई, चल चल पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। खड़ी चढ़ाई है, खड़ी खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप है, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट स्लोप में आप समझ सकते हो कोई सी, इवन कार में भी हमें फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलाना है। खड़ी खड़ी चढ़ाई में तो कोई कुछ बनाया हुआ है, क्या हुआ? अच्छा गाड़ी आ रही है, हाँ वो इन साइड ही है ना, ये वन साइड ब्रिज है ना। जितनी मैंने यहाँ पे गाइस ऑल्टो चलते हुए देख ली ना, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी, कि ऑल्टो खींच रही है पूरी, पूरा खींच रही है पूरा। ऑल्टो का पिकअप भाई साहब यहाँ पे गजब ही है, सो गाइस आई डोंट नो कितना टाइम और लगेगा। गाइस देखिए वो वहाँ पे है आपकी बेसिकली गियो मोनास्ट्री, और सामने का देखो कैसे मतलब पूरे पहाड़ों के बीच में है, सेंटर में बिल्कुल। तो अभी पूरा रास्ता ऑफ रोड था, अभी भी आई थिंक ऐसी रोड है, बट बेसिकली नज़ारा है जो बिल्कुल ही सेंटर में लग रहा है बिल्कुल ना, मोनास्ट्री भी। और ऊपर कैसे जाना है ये पता नहीं, बाइक अलाउड है या नहीं है, और एक बार जाके पता चलेगा, क्योंकि मैंने देखा कार्स को तो देखा था मैंने, बाइक भी होगी अलाउड तो फिर बाइक ले जाएंगे, कि ऊपर तो फिर मोड़ने में कोई इशू नहीं है, मोड़ उतराई में तो भाई हम चले जाएंगे, उतराई में कोई इशू नहीं आता उतना बड़ा, मोड़ने में आता इशू भाई। सच में यार बहुत ही प्यारा जगह, बहुत ही प्यारा जगह, एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट व्यू बहुत प्यारा है। माउंटेन्स के बीच में बनी हुई है, देखो वो देखो सामने, ये है आपका गियो विलेज। गियो विलेज में ऑफिशियली एंट्री करेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग तो यार वहाँ पे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है कुछ भी पैदल जाना है भाई, हालत खराब हो जाएगी सबसे सारा तो मुझे तो आदत नहीं पैदल चलने की इतनी, सच बताऊँ बहुत चलता है फिर भी। गियो विलेज में आपका स्वागत है गाइस, वेलकम टू गियो विलेज। देखते हैं मोनास्ट्री में कैसे जाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कौन कौन। ये अकेला नहीं हूँ, दोस्त है मेरा एक, और दोस्त के साथ में काटना उसका भी काट दीजिए, दो है, एक एक दोस्त मेरा और भाई, एक मैं को बोला कि दो हैं, कितने साठ देखो मोमो खाना पिया है ना, डॉक्टर का है। अच्छा डेफिनेटली एक बार ऊपर जाके आते हैं फिर खाते हैं कुछ तो क्या ऊपर मतलब बाइक चली जाएगी, मम्मी पता नहीं है फर्स्ट टाइम मेरा, देता हूँ पैसे देता हूँ इतना और करें। कटवा रहा हूँ पैसे, कटवा रहा हूँ जल्दी है, हाँ मैं दे रहा हूँ दे रहा हूँ, हाँ वापसी में नमकीन चाय, नमकीन चाय तो मेरी पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा ना ठीक है ठीक, अभी यहाँ से बाइक जाएगी भाई ऊपर, हाँ बाइक जाएगी पूछ लिया मैंने, हैं चलो जरूर रहेंगे आएंगे। थैंक यू, चलो जी गाइस हमने पर्ची कटा ली है,
सौरभ आगे निकल गया और पता चला है कि वहाँ तक है, अलाउड है बाइक ले आना, तो हम बाइक लेके ही जाएंगे। क्यों मैं चलते हैं ऊपर गया ह्यूमनिस्ट्री के पास। 30 रुपये की पर हेड टिकट है और 60 रुपये टोटल लगे हम दोनों के, बट हम पहुंच गए। वेलकम मम्मी रोड, वहाँ से निकलनी है शायद से लेफ्ट में जाके। ओके पहुंच जाएंगे हम। थैंक गॉड की बाइक जा रही होगी, ऐसे ट्रैकिंग करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। फाइनली पहुंच ही गए। रास्ता है ऊपर का। चलो गाइस चलो ऊपर जाते हैं। ये कुछ बना रहे हैं तो ऊपर शांत से छुपा होगा शायद से, बट रोड बना रखे हैं उन्होंने ऊपर जाने के लिए। कि अब ये ग्यो विलेज ना फेमस हो गया है, आई डोंट नो पहले था इतना, बट अभी तो ये बहुत फेमस हो गया। और रोड देखो कि अच्छी बना रखी है ऊपर जाने के लिए। ओके गाइस वेलकम, आपको क्यों यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। हम बाइक लगाते हैं, आपको मोबाइल में मिलेंगे। ओके मैं तो थोड़ी थोड़ी लगाता हूँ, फिर दिक्कत आएगी। हाँ भाई कहाँ लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, प्लेन पत्थर में लगाते हैं। अभी हम गियो विलेज और गियो विलेज वाली मोनेस्ट्री में आ चुके हैं। सामने बेसिकली है यहाँ पे मम्मी रखी हुई है जो ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो अबाउट मम्मी। बट गाइस सच में हिमालय ना तो गई नहीं, ऊपर मेरे को लग नहीं आता कि आएगी, अच्छे से आ गई और भाई की एक्स ब्लेड भी आ गई। और अभी ये स्टूपा बना रखा है उन्होंने, फ्रेंड से आपको दिखाता हूँ। वो ये पहाड़ों के बीच में है बिल्कुल, पूरा का पूरा पहाड़ों के बीच में। इट्स अ कंप्लीट, और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, छोटी बोलूँगा। अभी हम ऊपर भी जाएंगे सच में। तो भाई ऐसा लग रहा है प्लेस में अपने एंट्री ले लियो, क्योंकि इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ठीक है बस हम दोनों सांस भी नहीं ले पा रहे अच्छे से क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। सौरभ हाउ इज द एक्सपीरियंस भाई, तो कुछ जा चुका है रोड तो मत पूछ, ऐसे लगा बीच में सांस रुक गया गाइस यहाँ का रोड सच में कोई बोले ना कि कोई ये बोल रहा कि बहुत प्यारा रोड है तो उसकी बात ना मानो आना जरूर बट बात ना मानो ना, क्योंकि हाँ क्योंकि सच में इतनी अच्छा है मतलब इतना बुरा भी नहीं है जैसे चितकुल वाला नहीं है, बट हाँ बट गाइस सच में इट इज नॉट दैट बैड, बट है
सो अभी मैं मोनेस्ट्री में जाता हूँ एक बारी शूज़ उतार के, और मैं आपसे आराम से बातें करता हूँ अंदर जाके। सो गाइस अभी हम स्तूपा में आए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से मज़ा नहीं कुछ और है, और यहाँ पे इतनी हाइट पे है कि बोला नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे लोग खेती वेती भी करते हैं, देख सकते हो। और बुद्धा जी की मूर्ति है, easy guys survive here on your own. You can look over a travel partner if you want to come here, because things will go dry, not smooth basically. So wo chalna bhi aasan nahi hai na hi utna aasan hai, you are ready, so aapko apna hi dhyan dena hai, thoda sa आराम से धीरे धीरे चलना है। तो ये पूरा लोहे का बना हुआ है, गेट नहीं खोलते हैं, सबसे मेन चीज है बिना गेट खोले भी आप देख सकते हो, इट्स नॉट गुड। ये है सबसे टॉप में, सो यहाँ से ये बुद्धा जी की मूर्ति है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द ग्यो विलेज। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अराउंड 7 to 8 किलोमीटर की चढ़ाई है, पूरी स्टीप, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम बाइक, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं कि प्रिपेयर्ड ना हो, क्यों फायदा नहीं प्रिपेयर होने के, अच्छा यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट गो स्मूथ। आई वाज प्रिपेयर्ड, माय फ्रेंड वाज प्रिपेयर्ड, दैट इज व्हाई वी केम टिल हियर। सो नाउ वी आर लीविंग, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ताबो, विल हैव अ लंच ओवर देयर, एंड देन हम फिर काजा जाएंगे। सो लेट्स हेड आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं बाइक पे।